सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, शुभ हो आपके लिए यह रंगों का त्योहार। पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार। आपके जीवन में खुशियाँ कभी ना हो कम, आए आपके जीवन में खुशियों के सब रंग। आप सदा खुश रहें आपके अपनों के संग। होली की शुभकामनाएं। आज का पंचांग 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:46 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 12:18 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:15 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृषभ राशि 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चलें। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव भी करेंगे। प्रभावशाली जन संपर्क बनेंगे और आपके लिए लाभदायक भी साबित होंगे। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। ऊर्जा तथा आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। अपेक्षा के अनुसार परिस्थिति में बदलाव लाने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। जितने प्रयत्न आपके द्वारा किए जा रहे थे वह आपने किए हैं, इसलिए संयम रखकर परिणामों की प्रतीक्षा करें। आपसे जुड़े हुए लोगों के बर्ताव का निरीक्षण बारीकी से करना होगा। विदेश संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेज संबंधित रुकावट हो सकती है। पार्टनर का गुस्सा आपके लिए क्यों बढ़ रहा है, इस बात को जानने की कोशिश करें। कंधे में जकड़न महसूस होगी। सावधानियां, किसी भी तरह की परेशानी आने पर नकारात्मक होने के बजाय अपने कार्य करने की नीतियों में ही बदलाव लाएं। आर्थिक गतिविधियां मध्यम पड़ने की वजह से चिंता रह सकती है, परंतु यह वास्तविक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको बहुत ही व्यवहारिक होकर अपनी चिड़चिड़े रहने का कारण ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपके बहुत काम नहीं आने वाली तो भी ओवर रिएक्ट ना करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है तो इन छोटी छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यवहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेगी। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव ना डाले। साथियों और कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कोई उचित समाधान भी मिल सकता है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी तक जो व्यवसायिक गतिविधियों में कमी आई थी उनमें सुधार आएगा। बात करते हैं सेहत की। आप आज चिड़चिड़े और बीमार से महसूस कर रहे हैं।
ऐसा आपकी पेट की तकलीफों के कारण है। लेकिन आपको यह तो समझना ही होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी खाना ही आपकी सब शारीरिक समस्याओं की जड़ है, जिसे बाद में मानसिक तनाव जन्म लेता है। आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण करना होगा। आपको शायद ऐसा कर पाना अपने किसी दोस्तों को अपने साथ अपनी इस कार्यक्रम में शामिल कर ले, उसकी मदद से आपको आसानी होगी। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।